हेलो फ्रेंड, आई एम जेके। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेब फीडर के बारे में, उसका ऑपरेशन, उसकी फंक्शनिंग, बेब फीडर के पार्ट, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बेब फीडर का मेन पर्पज क्या है। कोई भी अगर ग्राइंडिंग करना है वर्टिकल रोलर मिल में, बाल मिल में, तो उसमें कंटिन्यूस एक रेगुलेट वे में, एक वे स्केल में प्रॉपर फीड रेट जरूरत होता है। ऑटो सिस्टम बनाने के लिए होपर से जो मटेरियल डिस्चार्ज होता है वो रेगुलेशन वे में प्रॉपर वेइंग स्केल के साथ में फीड हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इंस्ट्रक्शन सिस्टम में वे फीडर लगे होते हैं जो जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी ज़रूरत होती है मिल फीड के लिए, उतने ही मात्रा में मटेरियल यहाँ से होपर से एक्सट्रैक्ट होता है, वे फीडर पे आता है, मटेरियल स्लो आरपीएम के साथ में प्रॉपर टीपीएच के साथ, प्रॉपर कैपेसिटी के साथ जितना चाहिए उतना मिल में जाता है। आइए मैं इसके पार्ट के बारे में आपको बताता हूँ। एक देख सकते हैं पिन गेट, डिस्चार्ज होपर, वे फीडर, डिस्चार्ज शूट। वे फीडर का टेल ड्रम एरिया, टेल ड्रम रनिंग सेंसर, इससे बेल्ट के मूवमेंट, टेल ड्रम का मूवमेंट पता चलता रहेगा। टेल ड्रम को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रू टेकअप अरेंजमेंट भी लगा है। ये स्क्रू शाफ्ट हाउसिंग के साथ कनेक्ट होता है और जितना रिक्वायरमेंट होता है, जितना टेंशन देना रहता है बेल्ट में, यहाँ से हम दे सकते हैं। ये देख सकते हैं कैरिंग एडलर, ये सारे कैरिंग एडलर है। ये फ्लैट टाइप का है। बेल्ट स्वे स्विच, बेल्ट का पोजीशन बताएगा। बेल्ट ऐसा तो नहीं है अपने पोजीशन से भाग रहा हो। इस लीवर से आप देख सकते हैं, इस लीवर में बेल्ट टच करेगा। ये टोटल वेइंग अरेंजमेंट पॉइंट है। मेन कैरिंग एडलर ये है, ये पूरा फ्रेम माउंटेड होता है, लोड सेल से अटैच रहता है। बेल्ट कैलिब्रेशन शाफ्ट है, आप देख सकते हैं। जब भी कैलिब्रेशन करना होता है वे फीडर का, इस शाफ्ट को इस पिवट पे माउंट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं लोड सेल अरेंजमेंट। जब कैलिब्रेशन शाफ्ट इस लीवर पे रखते हैं, फिर इस लोड सेल के द्वारा प्रॉपर बेल्ट में टेंशन लोड यहां से सेट कर दिया जाता है। हेड ड्रम, हुड, डिस्चार्ज सूट, रिटर्न बेल्ट पे आप देख सकते हैं बॉटम में प्रेशर पुल्ली है। बेल्ट बॉटम व्यू, इंटरनल स्क्रैपर ये बहुत ज़रूरी होता है टेल ड्रम शाफ्ट की लैगिंग को सेफ्टी के लिए। वेल्ट स्वे स्विच। अगर हम बात करते हैं क्लिंकर लाइमस्टोन एप्लीकेशन के लिए, स्टेट सूट एनएफ है, इसमें जैमिंग टेंडेंसी बहुत कम होगी। कोशिश किया जाए एंगल सूट में जितना मिनिमम टू मिनिमम हो सके उतना ज़्यादा रहे, लेकिन अगर मटेरियल में मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा है तो होपर से मटेरियल डिस्चार्ज होने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। जैमिंग टेंडेंसी होपर में मटेरियल की ज़्यादा होगी। मोस्टली देखा गया लेटराइट, जिप्सम, ये सब ज़्यादा स्टिकी मटेरियल होता है, कोल, तो होपर के नीचे वाइब्रेटरी टाइप होपर लगाया जाता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाइब्रेटर लगा है, पूरा टोटल वाइब्रेटरी
होपर है, रबड़ पैड माउंटेड होता है, इस रबड़ पे टोटल होपर वाइब्रेट करता है, ये भी रबड़ ही है, रबड़ सीलिंग होपर की, वाइब्रेटरी मोटर, इसका आना फैनल, डिस्चार्ज सूट ओपनिंग। वाइब्रेटरी होपर में अनबैलेंस्ड मोटर लगा रहता है, उसका आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप बे फीडर फॉर लाइमस्टोन एप्लीकेशन। यहाँ पर जनरली देखा गया है लाइमस्टोन में मॉइस्चर लेवल बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर बेल्ट टाइप फीडर, एप्रॉन फीडर यूज किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं अगर मटेरियल में मॉइस्चर ज़्यादा है, होपर लोड ज़्यादा है, तो अप्रॉन बे फीडर टाइप भी यूज किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं अप्रॉन वे फीडर, वे फीडर कंट्रोल पैनल, यहाँ से वे फीडर को रेगुलेट वे में ऑन किया जा सकता है, ऑफ किया जा सकता है। जो भी ड्राइव वे फीडर में लगते हैं वो सारे VVFD ड्राइव होते हैं, स्लो RPM से स्टार्ट करते हैं और जितना रिक्वायरमेंट है उतने रिक्वायरमेंट पे वो चल सकते हैं। टॉर्क आर्म डिजाइन टाइप ड्राइव सिस्टम, आप देख सकते हैं गियर बॉक्स डायरेक्ट माउंट होता है हेड ड्रम शाफ्ट से, इसमें ये टॉर्क आर्म है। इस लोड सेल के बैलू के हिसाब से VVFD ड्राइव का सिंक्रोनाइजेशन रहता है, उसी रेशियो में ऑटोमेटिक वे फीडर अपना स्पीड फिक्स कर लेती है और रेगुलेट वे में प्रॉपर जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मटेरियल डिस्चार्ज सूट में जाता है। आशा है दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल होगी वे फीडर के बारे में, उसके फंक्शनिंग के बारे में, लोड सेल के बारे में। अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट इमीडिएट मिलता रहेगा। ये हमारे मोटिवेशन के लिए भी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।